हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेशमा स्टडी हब में। दोस्तों, वर्तनी शुद्धि का आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वर्तनी शुद्धि के नियमों के विषय में पढ़ा था और आज हम कुछ परीक्षा उपयोगी वर्तनियों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कंटिन्यू उनकी जो पुनरावृत्ति रहती है कि कभी वो रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आज हम उन इम्पोर्टेंट वर्तनियों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वर्तनियों को आपको सीख करके अपने कॉपी पे नोट भी करना है। जैसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि उन्हें लिख लेते हैं। उज्जवल, उज्जवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उज्जवल, इसमें दोनों ज आधे होते हैं और ये व पे लगते हैं, उज्जवल। और जो दूसरा है आशीर, आशीर्वाद, इसमें रेफ र का प्रयोग, इसमें रेफ र श पे नहीं व पे जाता है और एग्जाम में आपको श पे लगा करके दे देगा और जिससे कि हम उसे ही सही मान लेते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए आशीर्वाद में इसे एक फिक्स रूप से समझ लें। और एक है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। और जो तीसरा है ये अध्यात्म से बना हुआ शब्द है और इसमें एक प्रत्यय लगा है तो आगे के स्वर में वृद्धि, इस नियम को हमने बताया था, तो अध्यात्म से आध्यात्मिक बन गया। और एक है ज्योत्सना, आधा त आधा श और ना, ज्योत्सना। इसी तरह एक और वर्ड है अंत्याक्षरी, 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 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अंत्याक्षरी, इसमें न और त दोनों आधे होते हैं, ज्योत्सना अंत्याक्षरी। और एक है वाल, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये वाल्मीकि का शुद्ध रूप है, वाल्मीकि नहीं बोला जाता है और इसी प्रकार से वाल्मीकि लिखा जाएगा। अब कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है कवि, कवियत्री नहीं कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री इसका शुद्ध रूप है। और जो दूसरा हमारा है इम्पोर्टेंट श्रृंगार, इसको श्रृंगार नहीं कहेंगे, श्रृंगार, इसमें श्र आधा होता है, इसी प्रकार एक श्रृंगार भी होता है, श्रृंगार, श्रृंगार माने सियार, ये श्रृंगार और ये श्रृंगार, श्रृंगार। और एक वर्ड है उसी प्रकार, जैसे तत्काल हम बोलते हैं, तत्काल में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक। और एक है जैसे कि पूजनीय, पूजनीय, ये भी बहुत पूछा जाता है। और यह प्रज्वलित, अब इसमें बहुत क्या करते हैं कि इसमें परीक्षाओं में दो दो ज लगा करके पूछ लेता है और इसमें दो ज वाले को ही लोग सही मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक ही ज होता है, प्रज्वलित। और पूजनीय, पूजनीय में क्या होता है कि वो पूजनीय करके देता है, जिसे हम वही समझते हैं कि पूजनीय शुद्ध है लेकिन वो अशुद्ध होता है। और श्रृंगार में क्या होता है कि इसमें दोनों ऐसे, दोनों इस प्रकार से निकाल करके पूरा बनाया जाए तो इसे हम शुद्ध मानते हैं, जबकि ये श्रृंगार गलत है, श्रृंगार का, श्रृंगार का यही शुद्ध रूप है। और एक है उच्छृंखल, 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 उच्छृंखल के बाद है
प्रति प्रति द्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता मतलब किसी के साथ प्रतिद्वंद करना। और इसमें इसी वर्ब को ये यहाँ पे आधा वर्ब नहीं लगा करके ऑप्शन आपको बना के दे दिया जाएगा, जिससे कि गलती हो सकती है। इसी प्रकार जैसे कि द्वंद लिखा जाता है, द्वंद द्वंद्व, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं द्वंद्व। ये दोनों तरह से लिखा होता है द्वंद्व। और इसमें अगर आपको, आप प्राय क्या बोलते हैं इसे सभी लोग, द्वंद द्वंद, द्वंद बोलने से, गलत उच्चार करने से वो गलत ही हमारे वर्तनी में आ जाता है, तो इसे द्वंद्व बोलते हैं। और नेक्स्ट है सुश्रूषा। सुश्रूषा मतलब सेवा करना, सेवा भाव। और है एक बड़ा वर्ड ईर्ष्या। ये सब जितने भी हैं सब किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक है, हम बोलते हैं चार दीवारी, चार दीवारी नहीं चहार दीवारी होता है। जैसे चहार दीवारी, चहार दीवारी। और एक होता है द्वारका, द्वारिका शुद्ध नहीं होता, कहते हैं कृष्ण भगवान द्वारिका के थे, लेकिन द्वारिका नहीं, उसे द्वारका बोलते हैं शुद्ध। और अहिल्या, हम लोग क्या बोलते हैं अहिल्या, लेकिन शुद्ध क्या होता है अहल्या, अहल्या। और इसके बाद है कुमुदिनी और अनुग्रहित। अनुग्रहित बहुत पूछे जाने वाला है, इसे हम लोग बहुत लोग क्या कहते हैं अनुग्रहित ग्रहित बोलते हैं, लेकिन वो गृहित होता है अनुग्रहित। एक दूसरा है अंतर्धान, अंतर्धान। अंतर इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे प्रभु प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए, मतलब कि गायब हो जाना, तो अंतर्धान में प्राय अशुद्धि में क्या बोलते हैं अंतर ध्यान, जो कि अशुद्ध होता है अंतर ध्यान, अंतर ध्यान इसका शुद्ध शब्द है। और एक है षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र। एक और वर्ड है जैसे कि संवत और सन्यासी, संवत। इसमें हलंत लगा होता है, और बिना हलंत वाले वर्ड, ऐसे चार तरह के वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, तो जो संवत में जिसमें हलंत होगा वही शुद्ध होगा, संवत। और एक है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व इस प्रकार से लिखा जाएगा ऊर्ध्व। और सन्यासी, सन्यासी में यहाँ पे अंग की मात्रा भी होती है और न्यासी, ऐसे सन और न्यासी इस प्रकार से समझ करके इसे लिखेंगे सन्यासी, ये शुद्ध होता है। और इसे क्या किया करेगा, अगर देना होगा तो इसे अशुद्धि में इस न को हटा देते हैं, और सन्यासी तो वो गलत होता है, इसमें अंग की मात्रा भी होगी और आधा न भी होगा सन्यासी। एक है पैतृक, पैतृक, पैतृक इस प्रकार से सही होगा। और अशुद्ध वर्तनियों को ज्यादा न जानते हुए शुद्ध वर्तनियों को अगर दिमाग में बैठाया जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। और सन्यासी, पैतृक। और इसमें जागृत, जागृत शुद्ध नहीं होता, जागृत इसका शुद्ध होता है। एक वर्ड है जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या तो हो चुका है जागृत। और कालिदास, कालिदास में बड़ा ई नहीं होगा, इसमें छोटे ई का प्रयोग होगा कालिदास। और तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत शुद्ध नहीं होता, तदुपरांत शुद्ध होता है। और इसका सृष्टा, एक वर्ड है जिसे रचयिता मतलब सृष्टा,
सृष्टा और रचयिता, ये शुद्ध वर्तनी में आता है। और एक है प्राक कथन, एक वर्ड बोला जाता है भूखड़, तो भूखड़ नहीं भूखड़, इसमें दोनों ख नहीं होंगे, एक आधा क होगा और एक पूरा ख होगा। और एक वर्ड है जैसे कि उल्लंघन, परिस्थिति, उल्लंघन परिस्थिति। और इसमें है जैसे एक जी जी विषा, मतलब जीने की इच्छा, आजीविका मतलब कि रोजी रोटी कमाना, आजीविका। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हमारी वर्तनियां हैं, ये एग्जाम्स में 2 बार 4 बार रिपीटेटेड ये क्वेश्चन है, अतः इन्हें आप नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और श्योरली ये एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर आएंगे और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। थैंक्स।